हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हेट में। तो इस वीडियो में जो मैं आप सभी के साथ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करूंगा जो कि रिलेटेड होगा पीजीआई चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के एडमिशन से, ठीक है। तो आप सभी की क्वेरीज इसके रिगार्डिंग आ रही थी कि हमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म का जो वो लिंक नहीं मिल पा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म जो वो किस तरीके से फिल करना है, तो उसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप वाइज प्रोसीजर नहीं बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। मतलब आप सभी लोग इतने कैपेबल हैं कि आप अपनी एंट्रीज को खुद फिल कर सकते हैं, तो उसको बताने की, पॉइंट वाइज बताने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कहीं आप स्टक हो जाते हो, कहीं अटक जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, या कहीं पर आप प्रॉब्लम फेस करते हो, या कोई भी डाउट आता है कि यहां पर क्या हमको फिल करना चाहिए क्या नहीं फिल करना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो कहां से मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म जो है कहां से आपको फिल करना है। तो यहां पर आप देख सकते हो, आपको जो है सबसे पहले अपने गूगल सर्च में जो है सिंपली सर्च करना है पीजीआई चंडीगढ़, ठीक है। पीजीआई चंडीगढ़ सर्च कर लेना, उसके बाद यहां पर थोड़ा सा नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो पहली वाली वेबसाइट जो आ रही होगी pgimer.edu.in, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट को भी अपने सर्च बॉक्स में डाल के इस वेब पेज पर जा सकते हो, ठीक है। तो pgimer.edu.in इस पर आपको जाना है। इस पर मैं क्लिक कर देता हूं इस लिंक पर, या तो डायरेक्टली जाओ या फिर इस तरीके से गूगल में सर्च करके जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हो बीच में लिख कर आ रहा है इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स वाला जो सेक्शन आ रहा है इसको मैं और जूम कर देता हूं, तो यहां पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि मतलब एडमिशन से रिलेटेड है। तो यहां पर जो है व्यू ऑल का जो एक आइकन बन के आ रहा है व्यू ऑल का नीचे की तरफ, ठीक है, इसी बॉक्स में, तो उस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर जब आप क्लिक करोगे तो पूरा ये पेज ओपन होकर आ जाएगा यहां पर, और यहां पर आपके सारे अपडेट्स होंगे एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, ठीक है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो अभी के अकॉर्डिंग जो है 9th सीरियल नंबर पर आप देख सकते हो लिख कर आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर बीएससी नर्सिंग 4 ईयर्स एंड बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक फॉर 2022 सेशन, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा, और यहां पर आप देख सकते हो इसकी पब्लिश डेट जो है 26 मई लिखी हुई है, तो 26 मई से स्टार्ट हो गया था। और यहां पर जो आप ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद मान लो अगर आपको बीएससी नर्सिंग पे बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो नीचे वाले लिंक पे क्लिक करोगे जहां पर लिख कर आ रहा है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर बीएससी नर्सिंग, और अगर पोस्ट बेसिक क्लिक करना है तो ऊपर वाला करोगे, ठीक है। तो मैं बीएससी नर्सिंग वाले पर क्लिक करके दिखा देता हूं। अब जो है दोबारा से ये न्यू पेज खुलकर आ गया, ठीक है। यहां पर जो है आप इसका प्रोस्पेक्टस भी डाउनलोड कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे मैं ऑलरेडी ये सब बता चुका हूं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, लेकिन फिर भी अगर आपको सारी चीजें जाननी है कि एप्लीकेशन फॉर्म की फीस कितनी है या जो भी चीजें इसके रिगार्डिंग और सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, तो आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का भी एक पीडीएफ इन्होंने दिया है जहां पर स्टेप वाइज आपको सारे ऑप्शन बताए गए होंगे कि यहां पर जो है क्या चीज फिल करनी है आपको, किस तरीके से सारी एंट्रीज को फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर दी हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, और यहां पर जो है नीचे ऑप्शन आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑलरेडी रजिस्टर्ड का, ठीक है, मतलब लॉगिन करने का। तो आपको आपने अभी तक अगर अपना बेसिक मतलब अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करा है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे। आपसे वो नेम जो है नेम मांगेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर नेम, इस तरीके की डिटेल्स मांगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं ओपन करके दिखा देता हूं, तो कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा, ठीक है। तो ये लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो ये लोड हो चुका है। उसके बाद मैं इसको क्लोज पर क्लिक कर देता हूं, तो आपसे नेम मांगेगा, नेम जो है कैपिटल लेटर में फिल करना, मिस्टर मिस ऐसा कोई भी अपना जो है सैल्यूटेशन इसमें ऐड मत करना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहां पर सेलेक्ट कर लेना, जेंडर सेलेक्ट कर लेना, फीमेल का ही ऑप्शन आ रहा है क्योंकि बीएससी नर्सिंग यहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर में दोबारा मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी को दो बार यहां पर एंटर करना है। उसके बाद इस डिक्लेरेशन पर यहां पर टिक लगा देना, टिक लगाने के बाद ये कैप्चर कोड आ रहा है, कैप्चर कोड पर क्लिक करने के बाद नीचे आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह जो पासवर्ड वगैरह होगा वो आपकी ईमेल आईडी पर या फिर मोबाइल नंबर पर या फिर दोनों पर आ जाएगा। तो उससे फिर क्या करना है, सेम इसी पेज पे दोबारा से आके जो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है लॉगिन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर लेना। समझ आ गया इतनी बात। तो ये बात कर ली हमने किसकी, बीएससी नर्सिंग की।
इसी तरीके से अगर आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग का करना होगा तो इसी पेज पे आके आप पोस्ट बेसिक वाले पे क्लिक करोगे और सारा जो प्रोसेस आगेगा वो वैसे का वैसे सेम रहेगा। अब मान लो अगर बीएससी पैरामेडिकल का आपको फिल करना है तो आपको क्या करना है, वही वाले जो पॉइंट्स आ रहे थे मैंने जहां पर बताया था, जहां पर इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स आ रहा है उस पर व्यू ऑल पर क्लिक करके, तो ये जो सारे पॉइंट्स आ रहे थे जो यहां पर नोटिसेस आ रहे हैं इसमें आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पे अभी आ रहा है, हो सकता है बाद में इसका नंबर चेंज हो जाए जब आप वीडियो देख रहे हो, तो आप चेक कर लेना। तो जैसे यहां पर लिख कर आ रहा है एडमिशन नोटिस एंड एप्लीकेशन लिंक बीएससी पैरामेडिकल और बीपीएच कोर्सेस, ठीक है, इस पर मुझे क्या करना है क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहां पर भी सेम चीज आ जाएगी, क्लिक हियर फॉर नोटिस, नोटिस डाउनलोड करके आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो ब्रीफ में, और उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है या प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है तो नीचे वाले पर क्लिक कर दोगे, क्लिक हियर टू अप्लाई जहां पर लिख कर आ रहा है। सेम इंटरफेस वैसे ही खुलकर आ जाएगा जैसे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए आ रहा है, तो यहां पर भी आप जो है पैरामेडिकल का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम फॉर्म की फीस क्या है, ये सारी चीजें यहां से मतलब डाउनलोड करके प्रोस्पेक्टस को आप चेक कर लोगे। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसीजर देखना है तो ये वाली पीडीएफ सेकंड वाली आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर मॉक टेस्ट का लिंक भी दिया गया, सबसे अच्छी बात यह है, तो आप मॉक टेस्ट भी जो है यहां पर दे सकते हो। और उसके बाद जो यहां पर जो है फिर से वही सेम चीजें आ रही है, न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल्स भर के अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, उसको यूज करके जो आप लॉगिन पर क्लिक करके जो अपनी एंट्रीज को फिल करोगे, लॉगिन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है कहीं पर भी अगर आप अटक जाते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके स्क्रीनशॉट भेज के अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हो, अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो कि यहां पर क्या फिल करना है या यहां पर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका क्या सोल्यूशन है, तो जो भी मेरे पास पॉसिबल सोल्यूशन होगा उस टाइम पर वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ओके। तो और कोई भी डाउट होता है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ओके। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।